हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। ऐसा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। सुल्तान सेन का मकबरा अंदर से हम दिखाते हैं आपको। साथ कब से आया और अभी बज रहा है सुबह के 7:30। आपको दिखाते हैं अंदर, अभी तो अंदर गेट के अंदर फ्रिज किया है, आपको दिखाते हैं अंदर जाके कैसा नज़ारा है यहाँ पर। तो आप यहाँ बहुत अच्छा भी है, दुआ भी इधर है, काफ़ी लोग बैठे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, सुबह सुबह का काम है आराम से। ये देखो यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं बैठ के लिए, घास भी बहुत अच्छी है यहाँ पर, एकदम घास है और मतलब सुबह का इंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। दो ही लोग आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह घूमते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग के टाइम अभी तो और अच्छा लग रहा है, धूप भी निकल ही रही है, मतलब तो अच्छा भी लग रहा है यहाँ पर। और पार्क भी है, धुआं भी बहुत, हरियाली यहाँ पर, मतलब नीचे हरियाली है बहुत, काफ़ी अच्छा है। आस पास के लोग तो यहाँ पर योगा कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, मतलब बूढ़े लोग हुए हैं तो लोग कर रहे हैं। इसका कोई एंट्री टिकट नहीं है, फ्री है आराम से। अब हम पीछे की साइड आ चुके हैं, एक मकबरा है तो इसके अभी हम पीछे हैं जस्ट, अभी हम तो इधर पीछे घूम रहे हैं, पीछे का नज़ारा देख रहे हैं अभी। तो हम संतरा भैया और हम तो अभी और आगे जाते हैं, अभी इधर घूम रहे हैं आस पास के, मतलब चौधरी पेरी से लगा रहे हैं अभी तो हम, उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे हम। इसलिए अभी तो पहले पीछे घूम के तब अंदर देखिए, उनके बने हैं चौतरा कहते हैं गाँव में इनको, तो उधर कहते हैं गाँव में। तो अभी हम जस्ट सामने आ चुके हैं, जो चीज़ हम घूमने के लिए आते हैं, यही है उल्तान सेन का मकबरा। यहाँ पे नाम भी है इसका, काफ़ी अच्छा नाम है, आप देखोगे गूगल पे, यूट्यूब पे, उल्तान सेन का मकबरा। काफ़ी लोग घूमने आते हैं और ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पार्क टाइप का है, इधर मस्त घास आस है, आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं, सुबह का टाइम है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, पंछी है, हम खाना पीना कर रहा हूँ। एक पंछी इधर देखो मर गया, पता नहीं धूप के इसके कारण मर गया होगा शायद, इसकी डेथ हो चुकी है। इधर चुनाव भी डरा और पानी भी डरा यहाँ पर, देखिए का समय हो सकता है पानी नहीं मिला हो, पानी यहाँ पर रखा है लेकिन पता नहीं इसकी वो कुछ कारण हो सकता है, पता नहीं है। और इधर चुनाव भी डरा है चुनने के लिए। अब हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर किधर से जाते हैं, उसके बगल में हूँ मैं जस्ट, तो देखते हैं बगल से किधर से रास्ता उसका अंदर जाने का। और एक इधर भी लाइव जो आपको दिखा तो रहा होगा यहाँ पर, मैं पता नहीं कुछ कारण कारण यही है कि मतलब यहाँ पर खाने के लिए नहीं मिला हुआ, पहले उनको प्यास मिला है, गाँव पर बहुत धूप पड़ रही है यहाँ पर का धूप पड़ी, गर्मी का सीजन आ गया था इसीलिए धूप बहुत पड़ रही है। एक गाइस और अंदर जा रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि अंदर नहीं आ सकते हैं, इसलिए मुसलमानी लोग अंदर जा सकते हैं, हम लोग नहीं आ सकते, मना कर दिया उन्होंने। इधर बोला इधर है उनका मंदिर, इधर पीछे है उधर दिखा था, उधर दिखा रहा था तो उधर मंदिर है, और अभी दिखाते हैं आपको मैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है तानसेन का मकबरा, थंब ऑफ तानसेन, इधर का इस पर लगाया मकबरा प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इस मकबरे के पास की इमली का एक पेड़ है, ऐसी धारणा है कि इसकी पत्तियां चूसने से आवाज़ मधुर तथा सुरीली होती है। यह मकबरा संयुक्त गैलरी वाले आयताकार ऊँचे चबूतरे पर बना। यहीं पर आया तो बोला जो उसे पत्ती चूसने से मधुर आवाज़ निकलती है, तो मैं भी चूसूंगा, मेरी भी मधुर आवाज़ निकलेगी। अब मैं भी वो इमली का पेड़ देखता हूँ किधर है, जिसकी पत्तियाँ खाने से आवाज़ मधुर हो जाती है, इसके लिखा ऐसा मैंने भी पढ़ा है, तो मैं देखता हूँ वो इमली का पेड़ किधर है। ये इधर ये मुझे ये लग रहा है, ये वाला इमली का पेड़, ये देखो आपको ये छोटा है, ये वाला छोटा है और इमली बड़ा। बस सूच उतार दिए हम भैया और हमने, तब ऊपर जाते हैं। ये नहीं है उधर उस तरफ तानसेन के मकबरा, इधर है और यहाँ पर बने वो रहे हैं कबर, यहाँ पर जो इधर है, ये है इमली का पेड़, आपको दिखाता हो रहा होगा इमली का पेड़, मतलब इसकी जगह पर वो दूसरा, मतलब उसकी जगह पर दूसरा लग गया है पेड़,
पहले था बड़ा वाला तो पुराना पड़ गया, पुराना पड़ गया ज़्यादा पुराना होने के कारण टूट गया, इसलिए चिंदू का नाम रखते हुए उसको दूसरा पेड़ छोटा पेड़ अभी यहाँ पे लगाया गया है, इसलिए छोटा पेड़ दिख रहा है आपको। मैं भी इसकी पत्तियाँ खाता हूँ, मैं भी खा के चेक करता हूँ कैसे मतलब अच्छी लग रही है, मेरे मदर निकलती है नहीं निकलती है। भाई जाना मत खाए इसको, थोड़ी आवाज निकलेगी क्या थोड़ी खा थोड़ी, पर मदर नहीं लगी तुरई कैसे निकलती, तुरई निकली फिर कम खाओ इसलिए। चलो घूमते हैं, सारी दस्ती काट देते हैं। धूबी काफ़ी होने लगी है अब तो, ये है टेंशन का मकबरा। आपको दिखाता रहा होगा कांचन का मकबरा, ये उनकी कब्र यहाँ पर है और उनकी साइड में उनकी बेटे की कब्र है शायद, उनकी पुत्र की दो इनकी यहाँ पर है और इनकी गुरु की ये यहाँ पर है, वहाँ पर मोहम्मद गोश की, मोहम्मद गोश की यहाँ पर उनकी गुरु, और इस साइड है दरगाह यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं। चलो तो हमने घूम लिया, चलते हैं। सिक्योरिटी आवाज़ लगा रहा है बाहर निकलो, बंद होने का टाइम आ गया, ये सुबह दो घंटे के लिए ओपन रहता है बस 6 से 8। मोहब्बत गुस्त मत करो, a few moments later हमने घूम लिया, हम गेट के बाहर जा रहे हैं, तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्यार की थप्पी दीजिए दिल लगाकर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और नया वीडियो में। Thank you.